दोस्तों जब भी बेन टेनिसन अपनी ओमनीट्रिक्स का डायल घुमाकर किसी एलियन में बदलता है ना, तो वो मोमेंट बेहद ही एक्साइटिंग होता है। उसकी बॉडी, उसका कलर, सभी चीजें पूरी तरह से बदलने लगती है और तो और वो नए और कूल पावर्स को भी कंट्रोल करना सीख लेता है। बेसिकली बेन एक एलियन बॉडी को अपने माइंड से कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर किसी एलियन का माइंड बेन को कंट्रोल करने लग जाए? तो अचानक ही कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट और हॉरर आ जाता है, है कि नहीं? क्या आपको बेंटन क्लासिक सीरीज का वो एपिसोड याद है जिसमें घोस्ट फ्रीक ओमनीट्रिक्स से बाहर आ जाता है और उल्टा बेन की बॉडी को ही कंट्रोल करने लग जाता है? मेरे लिए वो एपिसोड वन ऑफ द मोस्ट डरावने एपिसोड्स में से एक था। अब एक मोमेंट तो उसमें ऐसा आ गया था जब ग्वेन तक की जान जाने वाली थी। कुछ इसी तरह बेंटन एलियन फोर्स का भी एक एपिसोड है जिसमें बिग चिल बेन को कंट्रोल करने लगता है और बेन को पता तक नहीं चलता। अब मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में ऐसा कभी भी नहीं होगा जब हम इंसान अलग-अलग एलियन बॉडीज में कन्वर्ट हो पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक एलियन बॉडी हम इंसानों के शरीर को कंट्रोल करने लगेगी। इसी डरावने कॉन्सेप्ट को लेकर पैरासाइट का एनीमे बनाया गया है। देखो आज के समय में लोग सिर्फ ड्रैगन बॉल, वन पीस, ब्लीच, जुजुत्सु काइसान और डीमन स्लेयर जैसे एनिमेस की ही बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में पैरासाइट एलियन से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग और माइंड ब्लोइंग एनीमे है। पैरासाइट नाम हमने धरती के उन जीवों को दिया है जो एक होस्ट बॉडी में घुसकर सर्वाइव करते हैं। वैसे बहुत सारे स्पीसीज है जो एक जानवर की बॉडी से चिपक जाते हैं और उनका खून चूस चूस कर जिंदा रहते हैं। ये पैरासाइट्स अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, उन्हें एक होस्ट की बॉडी सख्त जरूरत होती है। अब जरा इमेजिन करिए कि अगर आउटर स्पेस से एक ऐसी एलियन स्पीसीज या ऐसे पैरासाइट्स आ जाए जो इंसानों के दिमाग में घुस कर उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे तो क्या होगा? पैरासाइट की मेन स्टोरी लाइन एग्जैक्टली यही है। अचानक ही एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज इंसानों के दिमाग में घुस कर उनके ब्रेन पर पूरी तरह से हावी होने लगती है। जी हाँ, ये इंसान ज़ॉम्बीज में नहीं बदलते बल्कि ये पैरासाइट्स तो बेहद ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। बाहर से देखने पर लगेगा ही नहीं कि इस इंसान को एक्चुअल में एक पैरासाइट कंट्रोल कर रहा है। अब कुछ इसी तरह कहानी के मेन हीरो सिनिची इज़ुमी के हाथ में एक पैरासाइट घुस जाता है। किसी तरह सिनिची उसे अपने हाथों में ही कैद कर लेता है और वो पैरासाइट उसके ब्रेन को कंट्रोल करने में फेल हो जाता है। कुछ हद तक देखा जाए तो ये एनीमे ऑलमोस्ट बेन 10 की ही तरह है। अब जैसे बेन अपने हाथों पर मौजूद ओमनीट्रिक्स से एलियंस में बदलता है ना, शिनिची इज़ुमी का राइट हैंड भी एक एलियन का हाथ बन जाता है। लेकिन फर्क इतना है कि इस एलियन की भी अपनी पर्सनालिटी होती है। जापानीज़ में राइट हैंड को मीगी बुलाते हैं, इसीलिए शिनिची भी उस एलियन पैरासाइट का नाम मीगी रख देता है। अब मीगी उस पैरासाइट्स की कुछ बेहद ही डरावनी बातें बताता है। धरती पर लैंड हुए इन पैरासाइट्स का सिर्फ एक ही काम था, यहां की सबसे डोमिनेंट स्पीसीज यानी कि इंसानों को कब्जे में करना। लेकिन एक बार इंसानों के ब्रेन पर कब्जा करने के बाद इन पैरासाइट्स को ये पता चलता है कि केवल दूसरे इंसान को खाकर ही ये लोग जिंदा रह सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक बार ब्रेन में घुसते ही कोई नहीं बता सकता कि कौन नॉर्मल इंसान है और किसके दिमाग में ये पैरासाइट काबू कर चुके हैं। केवल एक सिनिची ही था जिसका दिमाग इंसानों का था और हाथ पैरासाइट का था। अब वो दोनों एक दूसरे से डील करते हैं कि जिंदा रहने के लिए वो कुछ भी करेंगे। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है ना, हमें इन पैरासाइट्स की कुछ बेहद ही खतरनाक पावर्स के बारे में पता चलने लगता है। देखो, ब्रेन में घुसते ही वो इंसानी बॉडी को किसी भी शेप का बना सकते हैं। जिस तरह से उनका सर मॉर्फ होकर तलवार में बदलता है, ये सीन देखकर ना कोई भी डर जाएगा। अब पहली बार देखने पर आपको लगेगा कि पूरी स्टोरी केवल शिनिची और मीगी के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी, लेकिन पैरासाइट एनीमे की बेस्ट बात यही है कि हर एक नया कैरेक्टर पहले वाले से ज्यादा डरावना और दमदार होता है। हर कैरेक्टर आपके मन में अलग अलग डर पैदा करेगा और आप उसके स्क्रीन पर आने का बेसब्री से इंतजार करेंगे। मेन कैरेक्टर शिनिची का कैरेक्टर आर्क तो वन ऑफ द बेस्ट आर्क्स में से एक है। उसका कैरेक्टर एक मासूम स्कूल जाने वाले बच्चे से उभर कर एक कोल्ड और क्रूल इंसान में बदलते हुए आपको आंखों के सामने दिखाई देगा। जैसे जैसे वो मीगी के साथ मिलकर दूसरे पैरासाइट्स को खत्म करते जाता है ना, ठीक वैसे वैसे उसकी इंसानियत और ज्यादा कम होने लगती है। अब सीरीज में एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जब आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि असली पैरासाइट शिनिची के हाथ में है या वो खुद ही है। जिस तरह के सिचुएशन और लोगों को वो खोता है, उस हिसाब से उसका कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डेवलप किया गया है। इस एनीमे के मांगा को ओरिजिनली साल 1989 में लिखा गया था, वहीं इसका एनीमे साल 2014 में रिलीज हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि उस वक्त में भी राइटर्स कितने ज्यादा टैलेंट के साथ स्टोरीज लिखा करते थे। और स्टोरी के तो क्या ही कहना है, ऐसा एक भी मोमेंट नहीं आएगा जब आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ही बोरिंग है या स्टोरी में अब कुछ एक्साइटिंग हो ही नहीं रहा। शो की खासियत यही है कि इसका मेन प्रीमिस ही इतना
उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि पहले एपिसोड में ही पैरासाइट की सारी खूबियां बता दी गई और अब बस वो कैसे ह्यूमैनिटी पर कब्जा करते हैं इसे कहानी में दिखाया जा रहा है। बिल्कुल एंड तक आपको इन एलियन स्पीसीज की इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस शक्तियों के बारे में बताया जाएगा। आज डीमन स्लेयर जैसा एनीमे इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि हर एक दुश्मन और हीरो की पावर अलग और यूनिक होती है और यही चीज तो ऑडियंस का ध्यान खींचती है। बेन 10 भी इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि हर एपिसोड में हमें एक नया एलियन और उसकी पावर्स दिखाई जाती है। पैरासाइट का एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक भी इतने डरावने तरीके से किया गया है कि हर इंटेंस मोमेंट में आपका दिल जोरों से धड़कने लगेगा। मैं आपको बता दूं कि साल 1989 में जब इसका मांगा आया था ना, तब ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कॉन्सेप्ट्स में से एक था। अब इस तरह के पैरासाइट्स का इस्तेमाल करना फिक्शन वर्ल्ड में नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से उनका इस्तेमाल इस एनिमे में किया गया ना, वो बिल्कुल ओरिजिनल था। जब आप एक ओरिजिनल और न्यू चीज देखते हैं तो अपने आप ही आपकी क्यूरियोसिटी सातवें आसमान पर चली जाती है। इस एनिमे को देखते वक्त मुझे वो दिन याद आ गया था जब मैं पहली बार बेन 10 को देख रहा था। एक और अच्छी चीज ये है कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के साथ फाइट्स और एक्शन सीन्स भी न्यू और रिफ्रेशिंग होते हैं। पैरासाइट किसी दूसरे से हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं करते, बल्कि वो अपनी बॉडी को बड़े तलवार जैसे शेप में बदल कर एक दूसरे को काटने में लग जाते हैं। जितना ब्लड आपने मॉर्टल कॉम्बैट खेलते हुए नहीं देखा होगा ना, उससे ज्यादा इस एनिमे में देखने को मिल जाएगा। शिनिची इज़ुमी के एक्शन सीन्स तो पर्टिकुलरली बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसका सिर्फ हाथ ही डेंजरस ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने दुश्मनों को चालाकी से हरा देता है। अब देखो, मुझे वैसे एनिमेस बेहद ही पसंद है जो केवल एक ही जॉनरा को अच्छे से दिखाने की काबिलियत रखते हैं। पैरासाइट उस हॉरर वाले जॉनरा को परफेक्टली अपना लेता है, लेकिन ये इतना भी डरावना नहीं है कि आप सीरीज देखना ही बंद कर देंगे। मेरे लिए तो मॉन्स्टर्स के डिजाइन ही सबसे ज्यादा डरावने थे। पहले एपिसोड के पहले ही सेकंड में आपको ये पता चल जाएगा कि ये मैं कुछ अलग ही देखने वाला हूँ। अब देखो, मुझे तो सच में लगता है कि राइटर ने अपने सपने में इन मॉन्स्टर्स को देखा था और बस उसी तरह उन्हें पन्ने पर उतार दिया था। शिनिची इज़ुमी भले ही मेन कैरेक्टर हो, लेकिन सेकेंडरी मेन कैरेक्टर मिगी आपका तुरंत फेवरेट बन जाएगा। शुरुआत में मिगी बिल्कुल एक नॉर्मल पैरासाइट की तरह होता है जो अपनी जान के अलावा किसी की भी फिक्र नहीं करता। अब क्योंकि वो शिनिची के हाथों से अटैच हो गया था, इसीलिए उसे जिंदा रहने के लिए शिनिची को जिंदा रखना जरूरी था। मिगी और इज़ुमी एक दूसरे के बिना अधूरे है। जहाँ शिनिची मिगी को इंसानियत के बारे में बताता है, वही मिगी उसे एक पैरासाइट के सोचने का तरीका बताता है। एक तरफ शिनिची इंसानों को बचाना चाहता है, तो वही दूसरी तरफ मिगी सिर्फ अपनी जिंदगी की परवाह करता है और खुद को बचाने के लिए वो इंसान तो क्या, दूसरे पैरासाइट्स को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब जरा सोच कर देखिए कि अगर इस तरह की कोई एलियन स्पीसीज हम पे हमला कर दे तो हम कैसे उनसे बच पाएंगे। पैरासाइट एनीमे में भी जब इंसानों को ये पता चलता है कि ऐसी कोई एलियन स्पीसीज हमला कर रही है, तो वो बिल्कुल सहम जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर रियल लाइफ में ऐसी कोई भी चीज पैदा हो गई ना, तो इंसानों का खत्म होना तो बिल्कुल तय हो जाएगा। ये तो किसी ज़ॉम्बी वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 24 एपिसोड्स की इस एनीमे की स्टोरी को कैसे खत्म किया गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी की एंडिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन बेशक मेरे जैसे फैंस चाहते हैं कि इसका सीजन 2 भी जल्दी रिलीज किया जाए। वैसे क्या आपने पैरासाइट एनीमे देखा है? अगर देखा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर दबाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।